12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सेना का ऑपरेशन कोठी देसा के घने जंगलों में चल रहा है। कल सुरक्षा बलों को एक जानकारी मिली थी कि देसा के घने जंगलों में आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं। उसके बाद सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की तरफ से किया गया। हालांकि आतंकियों के साथ कॉन्टैक्ट भी एस्टेब्लिश हुआ और इसी कॉन्टैक्ट में सेना के एक ऑफिसर समेत 4 जवान शहीद हो गए। लेकिन वो कौन सी चुनौतियां हैं जो इस ऑपरेशन में वक्त ले रही हैं? दरअसल ये घने जंगल का इलाका है। देसा के इन्हीं घने जंगल के अंदर महा ऑपरेशन जो है वो सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का चल रहा है। इनर कॉर्डन हो या आउटर कॉर्डन बेहद ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस समय हम आपको वो चुनौतियां दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस ऑपरेशन में ऐसा क्या है, क्योंकि वक्त क्यों ऐसा लग रहा है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके के यहाँ पर रास्ते हैं, बेहद उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, पूरी तरीके से यहाँ पर ये पहाड़ी इलाका है और घने जंगल का इलाका है। दरअसल हमारे सुरक्षा बलों से बचने के लिए आतंकी जो है इन्हीं घने जंगल का सहारा लेते हैं। तस्वीरों में आप ऊंची ऊंची चट्टाने देख रहे हैं और इन्हीं ऊंची चट्टानों के बीच आपको एक केव भी दिखेगी। ये नेचुरल केव्स हैं। ये चाहे रजौरी पुंछ का इलाका हो, चाहे डोडा किश्तवाड़ का इलाका, यहाँ पर इस तरीके की चट्टाने और उस बीच में नेचुरल केव जो दिखना है वो स्वाभाविक है। लेकिन इन्हीं नेचुरल केव्स का सहारा जो है आतंकी अपने हाइडआउट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं लगातार जो सुरक्षा बल हैं इन्हीं घने जंगलों में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि उन कायर आतंकियों की दर पकड़ जल्द से जल्द की जा सके। वहीं आप देखिए कि यहाँ पर नाला भी बह रहा है, यहाँ पर छोटे छोटे वाटरफॉल भी आपको दिखेंगे। यहाँ पर आतंकी जब इन घने जंगलों की तरफ जाते हैं तो पानी पीने के लिए इन्हीं वाटरफॉल का सहारा भी लेते हैं। और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके का ये पूरी तरीके से डेंस फॉरेस्ट है। विजिबिलिटी आगे की तरफ बेहद ज़्यादा कम है। आतंकी जो है इन्हीं हाइट्स का सहारा लेते हैं। इन्हीं हाइट्स पर आतंकी इन्हीं चट्टानों के बीच जो नेचुरल केव्स हैं उनका सहारा लेते हैं छुपने के लिए। लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से इस इलाके में महा ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है, जिसका नाम ऑपरेशन कोटी दिया गया है। और इसी ऑपरेशन के तहत लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन चला रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू संभाग में कुल 50 आतंकी सक्रिय हैं। ज्यादातर आतंकी पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं और इन्हीं की धरपकड़ के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बल जो है दिन रात एक कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जम्मू संभाग से आतंकवाद का खात्मा किया जा सके। हमारा मकसद इन जंगलों में पहुंचने का ये था कि आपको दिखा सके बहादुर जवान जो यहाँ पर लगातार कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, उनके सामने आखिरकार वो कौन सी चुनौतियां हैं जिस वजह से इस ऑपरेशन में समय लग रहा है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए डोडा से।